अब ये स्मार्ट मीटर तभी लगेंगे जब हमारे शहर को बिजली पूरी होगी। स्मार्ट मीटर की क्वालिटी क्या क्या है, आप इनसे पूछा गया क्वालिटी क्या है इसमें? देखिए हम पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं इसके बाद देंगे 24 घंटे, ये पहले भी इन्होंने यही बोला। हम इनको बोलते हैं आप बिजली दो, उसके बाद देखें क्या करना है क्या नहीं करना है। इनको हमने पहले ही बोल दिया था कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, और स्मार्ट मीटर अगर आप लगाएंगे तो उसका विरोध होगा, तो आज हम इनका विरोध कर रहे हैं। संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। यहाँ पर पहुंचे और विरोध लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर का विरोध उधमपुर में बढ़ता हुआ, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि व्यापार मंडल की टीम यहाँ पहुंची और स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि बिजली के कट जो है काफी लंबे लंबे लगाए जाते हैं, बिजली समय पर आती नहीं और स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर उधमपुर में व्यापार मंडल यहाँ पे विरोध करता है। उधमपुर के मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे खंबे के ऊपर, पोल के ऊपर चढ़ के यहाँ पे बिजली विभाग उधमपुर द्वारा, लेकिन उधमपुर के लोग भरपूर इसका विरोध करते हुए और व्यापार मंडल की टीम यहाँ पहुंची है। और व्यापार मंडी की बात करें तो बरमानी जी यहाँ पहुंचे हैं, देखिए आप, बरमानी जी ने विरोध किया। देखिए आपको पता ही है बिजली की क्या कंडीशन है उधमपुर में, हमने इनसे पहले भी बात की थी, आप 24 घंटे बिजली दो हम आपके साथ खड़े होकर बिजली लगाए। बिजली की पोजिशन देखिए, कोई टाइम टेबल नहीं है इनका, किस समय इन्होंने कट लगा देना है। पहले कभी बोलते हैं 1 घंटे, अभी बोलते हैं 4 घंटे का। आप किसी से भी पूछिए 8 घंटे इनका कट है, उसके बिना कोई टाइम नहीं है इनका, जिस समय बिजली काट देते हैं। बिजली का कट पूरा 24 घंटे बिजली दें फिर हम लगाएं। पहले इन्होंने जब इलेक्ट्रिक मीटर लगाए हमसे तब भी यही वादा किया था, हमने मीटर तोड़े थे उस समय भी, तो ये कहने लगे नहीं जी हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ये पोजीशन बनाया। अब ये स्मार्ट मीटर तभी लगेंगे जब हमारे शहर को बिजली पूरी होगी। स्मार्ट मीटर की क्वालिटी क्या क्या है, आप इनसे पूछा गया क्वालिटी क्या है इसमें? देखिए हम पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं इसके बाद देंगे 24 घंटे, ये पहले भी इन्होंने यही बोला। हम इनको बोलते हैं आप बिजली दो, उसके बाद देखें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए जी हम ये नहीं लगने देंगे अपने शहर में, अभी तक नहीं लगेंगे, जब तक ये हमें लाइट नहीं देंगे, हमारे शहर वासियों की जो समस्या हल नहीं करेंगे लाइट की, तब तक हम ये नहीं लगने देंगे। यहाँ पे व्यापार मंडल द्वारा विरोध किया जा रहा है स्मार्ट मीटरों का, और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इस स्मार्ट तस्वीर में दिखा रहा हूँ, इस समय दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से उधमपुर की, उधमपुर के पांडव मंदिर के पास बिल्कुल नज़दीक, तो इस समय ये देखिए आप, ये पोल के ऊपर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे, यहाँ पे कर्मचारी यहाँ पहुँचे थे बिजली विभाग के, लेकिन व्यापार मंडल की टीम यहाँ पहुँची है, लोग पहुँचे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर विरोध किया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर जो है वो यहाँ पर नहीं लगाए जाएंगे। इस समय व्यापार मंडल के एक और सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, तो इस समय तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर लोग छतों के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर क्योंकि बिजली की बात करें तो बिजली पूरी तरह से नहीं आती है, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे उसी का विरोध जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें बहस चलती हुई यहाँ पे पुलिस विभाग के साथ, अपने बिजली विभाग के साथ, देखिए मैं आपको बता दूं कि बिजली जो है वो पूरी तरह से उधमपुर शहर में नहीं आ रही है, लेकिन बिजली के कट जो है वो जारी रहते हैं, इसी का विरोध यहाँ पर व्यापार मंडल द्वारा किया जा रहा है। और इस समय तस्वीरें आपको दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से पांडव मंदिर से दिखा रहे हैं उधमपुर से, कि आखिरकार स्मार्ट मीटर में लगाए जा रहे हैं जो, कि आखिरकार इसका विरोध जो है वो क्यों किया जा रहा है। कारण मैं आपको बता दूं कि बिजली के कट जो है वो लगातार जारी है, और इस समय हमारे साथ व्यापार मंडल के चेयरमैन विक्रम सिंह सलाथिया मौजूद है। सलाथी जी क्या कहेंगे? देखें जिस दिन हम इनके ऑफिस में गए थे तो इन्होंने, इनको हमने पहले ही बोल दिया था कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, और स्मार्ट मीटर अगर आप लगाएंगे तो उसका विरोध होगा, तो आज हम इनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने चोरी आके स्मार्ट मीटर का कार्य शुरू कर दिया है। और डिप्टी कमिश्नर उधमपुर में भी हमें कहा था कि जब भी ये प्रोसेस शुरू होगा तो तमाम जो हमारे शहरदारी हैं, व्यापारी हैं, बैठ के हम बैठे करेंगे, लेकिन ना इन्होंने मीटिंग कॉल की और इन्हें आनन फानन से ये काम शुरू कर दिया है। और ये लोहड़ी, खासकर लोहड़ी का पर्व जो कल है और उसके बाद मकर संक्रांति है,
तो इन्होंने ये प्री प्लानिंग से सारा डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। अभी अगर ये नहीं करते हैं तो बाजार में हम बाजार बंद की कॉल देने पे हम मजबूर हो जाएंगे। इस वक्त इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि ये जो मीटर हैं, क्योंकि पहले भी जो मीटर लगे थे उस वक्त भी ये इन्होंने इंश्योरेंस दी थी कि 24 आवर्स हम बिजली देंगे, लेकिन आप आज देखें कि बिजली की हालत क्या है। जो इनका शुल्क काट है PQRS जो इन्होंने बनाया हुआ है 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 2, उसके अलावा भी जो अनशुल्क काट है आप देख रहे हैं कि बिजली की हालत बद से बदतर है। और इनसे मैं एक बार फिर हम अपील करना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर तब तक नहीं लगेंगे जब तक ये 24 आवर बिजली नहीं देंगे। आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, जब तक 24 घंटे बिजली नहीं आएगी तब तक स्मार्ट मीटर्स नहीं लगाए जाएंगे। कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए खराब हो ये देखिए यहाँ पे विरोध जो है वो पूरी तरह से जताया जा रहा है। इससे करिए क्या करा है तुसे क्या दिन आए लोग ले राम जन्म राम मंदिर के पेरे तुसे लगे मौके फायदा लाओ जे लाओ बिल्कुल नहीं चलेगा। ये डीआईडी तुसे भी इसलिए डिस्टर्ब करना फिर डिस्टर्ब करना शहर बंद होना पहली आखियो ये सारे लोड़ी आ गया से आज भी नहीं होंगे ना लोड़ी आ दिन का काम होना लगे कौन ना बंद बंद करो जी करो बंद। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आपकी तरफ से हमने पहले भी आपसे बात की और उसके बाद शहरवासी यहाँ पर आए हैं काम को जो है रोकने के लिए कह रहे हैं, तो क्या आपकी तरफ से क्या कुछ कहें? हमारा कुछ हमने हायर अफसर को अभी इंटीमेट कर देंगे तो क्योंकि मीटर तो पूरी स्टेट में लग रहे हैं, जैसे हमारे जम्मू में 1 लाख तक लगे हैं, श्रीनगर में 1,75,000 के करीब लग चुके हैं, मीटर हर जगह लग रहे हैं और शायद ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है मीटर तो गवर्नमेंट लगवा रही है। और इन मीटरों में आपको पहले भी बताया कोई फर्क नहीं है, इससे जहां होगा पीपल पावर बंद होगी। गवर्नमेंट से करेंगे बात, ऑफिस वालों को बताएंगे पर नहीं लगा दे रहे हैं, अब ऑफिस वाले जो देखेंगे होगा। क्योंकि बिजली की काफी खस्ता हालत है इस समय, आप भी जानते हैं कि 4-4 घंटे जो है वो कटौती रहती है, उसी की वही कारण रहे हैं उसका यही है कि ये मीटर लगने से ये होगा जो हमारे कई इलीगल कंज्यूमर जो हमें नजर में नहीं वो कटेंगे, जैसे ही कटेंगे हमारे पावर सिस्टम पे लोड कम होगा, लोड कम होगा कंटेनमेंट वैसे ही कम हो जाएगी। अच्छा। इसलिए होगा जब मीटर लगेंगे उन फिर एक भी जो ये बक्से जो लग रहे हैं इनका पूरा कंट्रोल होगा। जिला उधमपुर जो है हमारा नंबर 1 पे है रेवेन्यू पे, अगर रेवेन्यू नंबर 1 है तो फिर जरूरत क्या है क्या बताएं? लेकिन चक्कर ये है ये आई वाश वाला सिस्टम नहीं चलेगा। सर आप बोले 170 श्रीनगर में लगे 1,75,000 श्रीनगर लगी है तो साबित करो 1,75,000 श्रीनगर तो चलते कि नहीं सर, कोई फिल्म चलते कि नहीं सर, कंपनी लगा है सिर्फ जम्मू वाले पर पाते बाकी कश्मीर का कंपनी वाले कंपनी कर रही है और कंपनी को गवर्नमेंट ने टेंडर दिया तो सौ नौकरियां भी दो कंपनी है प्राइवेट भी दी है बहुत आ रही है खत्म हो रही है नौकरी वैसे भी ठीक है असें हुक्म होया जाना हुक्म तो बंद करो असें बंद कर दू लेकिन फर्क कोई नहीं है फर्क कोई नहीं है ऐसा नहीं होना सर। यहाँ पे विरोध जो है वो लगातार जारी है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे और व्यापार मंडल के प्रधान जितेंद्र बरमानी यहाँ पर जो बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करते हुए और कोई इलाज नहीं हो रहा है।
बैंक अब हम बता देते हैं अपने हायर अफसर को, भाई नहीं काम करने दे रहे हैं, अब उनको बता देते हैं जैसे इंस्ट्रक्शन हो गया। अब गवर्नमेंट क्यों, काम तो गवर्नमेंट का, हम तो मुलाजिम है, वो यहाँ तो अभी गवर्नमेंट से होता नहीं है। जो पोल गिरे हुए हैं लाइट प्रॉपर वे से दे नहीं रहे, जो इनका काम है वो करने लगे, जो लोगों को तंग करने का सिस्टम है वो ये कर रहे हैं, समझे। ये मीटर लगेंगे, मीटरों की जो इनका इनकम इनकी फिक्स होगी, इनका तो ये भी कहना है कि जब ये सर जी इनकी कमीशन फिट है तभी ये फिट हो रहे हैं, जितने ऑफिसर हायर अथॉरिटीज है इनकी कमीशन फिट है ये तभी ये मीटर फिट हो रहे हैं। इतना फोर्स लेवल ये नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए ये फोर्स नहीं कर रहे कि कैसे प्रॉपर वे से जनता को दी जाए, सहूलियत कैसे दी जाए वो नहीं दी जा रही, पब्लिक को तंग कैसे किया जाए वो ये सब कर रहे हैं। तो देख सकते हैं लगातार विरोध जो है वो स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है उसका हो रहा है। इस समय उधमपुर का हम आपको ये हाल दिखा रहे हैं, उधमपुर के पांडू मंदिर के पास जो हॉस्पिटल रोड है वहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लेकिन कल की बात करें तो कल डीसी कार्यालय में इसकी शुरुआत की गई थी, पहले डीसी कार्यालय में शुरुआत की थी, उसके बाद आज की जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ उधमपुर की थी, उधमपुर के शहरों की थी, लेकिन यहाँ पर इसका विरोध जताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए क्योंकि लाइट जो है पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। कट की बात करें तो लगातार अनशेड्यूल कट जो है वो उधमपुर में बिजली के होते रहते हैं, इसी का विरोध लोग कर रहे हैं, इसी के लिए कह रहे हैं कि पहले बिजली पूरी दो उसके बाद स्मार्ट मीटर लगा जाएंगे।